यूपी की सीएम और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने आज इस फैसले का ऐलान करते हुए मीडिया के सामने बताया कि अब बीएसपी के सारे कामकाज को आकाश आनंद देखेंगे। मायावती अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत को देखेंगी, बाकी पूरे देश में अब आकाश आनंद बीएसपी को मजबूत करने का काम करेंगे। आकाश आनंद 27 साल के हैं और वो मायावती के भतीजे हैं। मायावती ने कांशीराम की विचारधारा और अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब अपने भतीजे आकाश आनंद के युवा कंधों पर डाल दिया है। अब देखने की बात यह रहेगी कि आकाश आनंद मायावती के भरोसे पर, मायावती के विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं। आकाश आनंद पहले ही एक्टिव हो चुके हैं और वो देश के कई राज्यों में जाकर मायावती और बीएसपी दोनों के लिए ही प्रचार कर रहे थे, बीएसपी की मजबूती के लिए काम कर रहे थे। अब उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और अब उन्हें कांशीराम की विचारधारा और मायावती के सपने को साकार करने के लिए जुट जाना पड़ेगा। आकाश आनंद को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोग उन्हें मायावती का पहले से उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे और कुछ लोग उनके बजाय दूसरे लोगों के ऊपर उत्तराधिकारी बनने का दांव लगा रहे थे, लेकिन मायावती ने आज साफ फैसला लेकर, सबसे बड़ा फैसला लेकर ये बता दिया कि आकाश आनंद ही उनकी सियासत के उत्तराधिकारी हैं और वो ही अब बसपा के भविष्य का सबसे बड़ा चेहरा रहेंगे। आकाश आनंद में वो धार भी है, आकाश आनंद में वो तेज भी है और आकाश आनंद काफ़ी फुर्ती और सियासत के समझ रखने वाले युवा चेहरे हैं। मायावती ने काफ़ी सोच विचार के बाद आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया है। अब देखने की बात यह कि आकाश आनंद अपनी बुआ के भरोसे पर और उनकी सोच पर, उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और बीएसपी को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कांशीराम ने मायावती के गठन से लेकर उसको मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। पूरे देश में बीएसपी को मजबूत करने का और बड़ी सियासी ताकत बनाने का काम मायावती ने किया। अब देखने की बात यह है कि बीएसपी के तीसरे उत्तराधिकारी यानी आकाश आनंद अब बीएसपी को कितनी ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और बीएसपी को सियासी तौर पर देश की कितनी मजबूत पार्टी बनाने का काम करते हैं। आकाश आनंद की सियासत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आकाश आनंद के भविष्य की पॉलिटिक्स के रोड मैप को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आकाश आनंद की सोच और आकाश आनंद की सियासत के रूट मैप को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आकाश आनंद की भविष्य की प्लानिंग और भविष्य के वर्किंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मायावती, बीएसपी और आकाश आनंद के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। यूपी की सीएम और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने आज इस फैसले का ऐलान करते हुए मीडिया के सामने बताया कि अब बीएसपी के सारे कामकाज को आकाश आनंद देखेंगे। मायावती अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत को देखेंगी, बाकी पूरे देश में अब आकाश आनंद बीएसपी को मजबूत करने का काम करेंगे। आकाश आनंद 27 साल के हैं और वो मायावती के भतीजे हैं। मायावती ने कांशीराम की विचारधारा और अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब अपने भतीजे आकाश आनंद के युवा कंधों पर डाल दिया है। अब देखने की बात यह रहेगी कि आकाश आनंद मायावती के भरोसे पर, मायावती के विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं। आकाश आनंद पहले ही एक्टिव हो चुके हैं और वो देश के कई राज्यों में जाकर मायावती और बीएसपी दोनों के लिए ही प्रचार कर रहे थे, बीएसपी की मजबूती के लिए काम कर रहे थे। अब उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और अब उन्हें कांशीराम की विचारधारा और मायावती के सपने को साकार करने के लिए जुट जाना पड़ेगा। आकाश आनंद को लेकर कई तरह की चर्चाएँ चल रही थी। कुछ लोग उन्हें मायावती का पहले से उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे और कुछ लोग उनके बजाय दूसरे लोगों के ऊपर उत्तराधिकारी बनने का दांव लगा रहे थे, लेकिन मायावती ने आज साफ फैसला लेकर, सबसे बड़ा फैसला लेकर ये बता दिया कि आकाश आनंद ही उनकी सियासत के उत्तराधिकारी हैं और वो ही अब बसपा के भविष्य का सबसे बड़ा चेहरा रहेंगे। आकाश आनंद में वो धार भी है, आकाश आनंद में वो तेज भी है और आकाश आनंद काफ़ी फुर्ती और सियासत के समझ रखने वाले युवा चेहरे हैं। मायावती ने काफ़ी सोच विचार के बाद आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया है। अब देखने की बात यह कि आकाश आनंद अपनी बुआ के भरोसे पर और उनकी सोच पर, उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और बीएसपी को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कांशीराम ने मायावती के गठन से लेकर उसको मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान दिया।
पूरे देश में बीएसपी को मजबूत करने का और बड़ी सियासी ताकत बनाने का काम मायावती ने किया। अब देखने की बात यह है कि बीएसपी के तीसरे उत्तराधिकारी यानी आकाश आनंद अब बीएसपी को कितनी ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और बीएसपी को सियासी तौर पर देश की कितनी मजबूत पार्टी बनाने का काम करते हैं। आकाश आनंद की सियासत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आकाश आनंद के भविष्य की पॉलिटिक्स के रोड मैप को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आकाश आनंद की सोच और आकाश आनंद की सियासत के रूट मैप को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आकाश आनंद की भविष्य की प्लानिंग और भविष्य के वर्किंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मायावती बीएसपी और आकाश आनंद के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।